ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फैसल और मेरा चैनल हरकत में है बरकत यूट्यूब पे। और आज हमने इस वीडियो को ज्वाइन किया है मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर खान है और मेरा चैनल है हाइलाइट्स ऑफ लाइफ। आज का टॉपिक बेसिकली हमने रखा है बाबर आजम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 18 मई को, जिन्होंने टेली कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, प्रेस तो नहीं, तो उन्होंने विजुअल सबसे सवाल लिए थे और उनके जवाब दिए थे। तो उसमें तनवीर अहमद, एक पाकिस्तानी सबक फास्ट बॉलर, उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज किया था उनकी चीज़ों को, चाहे वो पर्सनल अटैक था जो भी था, वायरल उन्होंने उसमें रिस्पॉन्ड किया इसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फैसल साहब की क्या टेक है, मैं ये पहले जानना चाहूंगा, फिर मैं आपको फर्दर सबसे पहले तो बाबर आजम को मुबारकबाद कि वो नेशनल कैप्टन बने। ये एक ऑनर होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो एज ए कैप्टन अपनी टीम को लीड करे, और हमारी बेस्ट विशेस बाबर आजम के साथ। लेकिन वो चीज़ हमें थोड़ा सा बॉदर करती है, वो हमारे क्रिकेट का सिस्टम है कि हमारा सिस्टम जो है वो अच्छे लोगों को बहुत जल्दी निकाल के बाहर फेंक देता है। वो बात तो है, लेकिन मुझे बाबर आजम की जो स्टेटमेंट है इमरान खान को कॉपी करने की या इमरान खान को आइडियलाइज करने की, वो कितनी इम्प्लाई होती है उन पे, मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू असल चाहिए। में आइडियल तो मेरे हिसाब से जो है ना, आइडियल तो हमेशा कोई ऊंचे ही होने चाहिए, हाँ और आइडियलाइज करना बहुत अच्छी बात है कि अगर वो आइडियलाइज करता है और अब उसका 40-50% भी अचीव कर लेता है तो ये उसकी बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन सरकमस्टांसेस में बड़ा फर्क है कि जो प्लेयर उनको अवेलेबल थे उनमें कई प्लेयर थे जो एंटरप्रेन्योर थे, यानी बिल्कुल वो खुद मैच खत्म करने की सलाहियत रखते थे, मैच जीतने की सलाहियत रखते थे। बिल्कुल ऐसा और अब हम बदकिस्मती से हमारे पास ज्यादातर जो प्लेयर हैं वो एंटरप्राइजिंग नहीं है, वो बस आप समझ लें 9 to 5 वाला काम कर रहे होते हैं। जो अजय जडेजा फरमाते हैं कि भाई 9 to 5 वाला काम है, आए काम किया, हुआ हुआ, नहीं हुआ ना सही, कोई सिस्टम। इनोवेशन मुझे तो कोई। एक चीज जो बुरी लग रही है ना, मुझे जो बुरी चीज लगती है आइडियलाइज करने में, या बहुत ज्यादा, मतलब सही है, आप आसमानों की सोचो, तारों की सोचो, लेकिन आप कदम पहले जमीन पे तो प्रॉपर रखना शुरू करो। अभी हाँ आपने कैप्टन बने हैं, आपने आइडियलाइज कर दिया एक ऐसे बंदे को जिसने अगेंस्ट द ऑड्स, अगेंस्ट एवरीबडी, उसने टीम को जीरो से उठा के वर्ल्ड कप जितवा दिया। ना टीम में उस वक्त ऐसा सही थी, टैलेंट था टीम में, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने का टेम्परामेंट, आप कप्तान, मतलब कोई एक जनरल मैं उठ के बोलूं कि यार मैं काम कर लूंगा, ये हाँ तो ये नामुमकिन सी बात है। बाबर आजम को अभी जो मुझे लगता है एज अ प्लेयर, अगर वो 24-25 साल का है और आज के एरा में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है या आप थोड़े शाय हो बात करने में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मिसबा के साथ बैठा हुआ पेन को यूं यूं टर्न टर्न कर रहा था और टेबल को नॉक कर रहा था, मतलब उससे उसका पता चल रहा था कि उसका ओवरऑल एटीट्यूड कैसा है। कप्तान पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है अपनी अगली डेस्टिनेशन या अगली डायरेक्शन, यानी इंग्लैंड का टूर आप करने जा रहे हैं, आपको क्या परफॉर्मेंस लेवल एक्सपेक्ट करते हैं आप। मतलब मैं समझता हूँ आइडियलाइज करना बहुत अच्छी बात है, बंदे को पता होना चाहिए कि उसने कहाँ पर पहुंचना है, अपनी डेस्टिनेशन टारगेट का पता होना चाहिए। लेकिन वही बात आपकी कि 40-50% अचीव कर ली, ये तो बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि बाबर आजम को अपने आप को बहुत इम्प्रूव करना है, सिर्फ नहीं इम्प्रूव करना, बहुत इम्प्रूव करना है। कम्युनिकेशन स्किल, खिलाड़ियों से किस तरह बदतमीजी से बात करनी है, किस मौके पर तमीज से बात करनी है, उनको किस तरह मनाना है, क्योंकि यहाँ तो वो वाला सिस्टम है, तुम रूठ गए तुम मान गए, हीरोइन हाँ वाला चल रहा होता है। तो इसलिए और मैं इस पॉइंट पर आपसे, ये हाँ, मेरा टेक है कि भाई ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए। और इस फिर सूरत दूसरी ख्याल में ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टूर पे कि जब वो, मेरा ख्याल है शायद इफ्तिखार अहमद था या कोई और प्लेयर था जिसने T20 में रन आउट करा दिया था बाबर आजम हाँ को, वहाँ रन आउट करा दिया था बाबर ने जिस तरह गुस्सा दिखाया था तो जी। वही अंदाजा होता है कि प्लेयर का जो है वो, यानी 3 T20 मैचेस में पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला और बाबर आजम का टेम्परामेंट लूज हो गया था, हाँ इस पे उसको अपना काम करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा इसको, कम से कम देखें कप्तान को, मैं समझता हूँ कम से कम 4 साल देने चाहिए। अगर वो बहुत अच्छा कप्तान या अपने आप को कर लेता है वो इस चीज में एग्जाइल, तो वो 6 साल 7 साल कप्तान बन सकता है। आज के दौर में इससे ज्यादा कोई कौम बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, बोर्ड वगैरह तो अपनी अलग बात है, लेकिन कौम ज्यादा हाँ बर्दाश्त। ये भी फिर है। दूसरी चीज, अब आप देखें उसको, अब हमने जो सेकंड टॉप एसी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक है वो ये है कि बाबर आजम ने रिप्लेस किसको किया था। बाबर आजम ने एक चैटर बॉक्स को
एक बंदा जो माइंड में 10 चीजें पहले से, उसने ऑब्वियसली उसने एक विनिंग अ ट्रॉफी समथिंग एल्स, क्योंकि विनिंग अ ट्रॉफी यू नीड टू बी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेन, आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका सबर, सब कुछ बहुत ज्यादा होगा जब आप ट्रॉफी जीत सकते हैं। तो बिल्कुल जिसको रिप्लेस किया था उसकी क्या ग्रेफ्स थे और वो किस लिए निकला है, वो सब चीजें लोगों को पता है। लेकिन मेरा क्या टेक है, मैं पहले बता देता हूँ या आप बता रहे हैं? आप बताओ। हाँ, पहले ही मेरा टेक ये है कि सरफराज अहमद ने सबसे ज्यादा बड़ी गलती क्या की, उसने लोगों को मौका दिया आगे आगे। बिल्कुल किस तरह दिया? अब मैं नंबर 4 पे खेल रहा हूँ T20 में, अचानक से मैं नंबर 6 7 पे चला गया। बिल्कुल कंडीशन कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, दुनिया में बैटिंग विकेट्स ही बन रही हैं, कोई बॉलिंग विकेट बनाता नहीं, T20 में तो बिल्कुल ही नहीं बनाता। तो आपको अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी चाहिए थी, रिगार्डलेस कोई भी कितनी भी परफॉर्मेंस दे रहा था। कप्तान को सेल्फिश होना पड़ता है कभी कभार अपने आप को चीजों में रखने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चले, परफॉर्मेंस एक अलग पॉइंट होता है, अपने आप को डाउनग्रेड करके, यानी उन मौकों से जहां पर आप समझते थे कि आप परफॉर्म कर सकते, तो उनका हटा के आपने परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। आप ऑब्वियसली 6 7 के आप बैट्समैन नहीं, उस वक्त 4 6 ओवर रह गए होते हैं, आपने हर हाल में कुछ ना कुछ करके दिखाना होता है, 40 50 रन बनाने होते हैं। तो इसलिए सरफराज को मैं सिर्फ ये एक डाउन पॉइंट है, और बाकी इसी आप। बात में मैं आपको एक चीज ऐड करूं, मैं जब ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टूर पे था और 5-0 से वनडे सीरीज हार गया था और पहला T20 हार गया था, तो उस टाइम मैं ये कह रहा था कि सरफराज को नंबर 4 पे खुद खेलना चाहिए T20 में, क्योंकि ये 4 पे खेलेगा तो पूरे 20 ओवर के आखिर तक अगर ये जाता है तो ये अपने 60 70 80 कर लेगा और हाँ, टीम जो कि के आसान टाइम से आराम से 180 के करीब हो जाएंगे। और बिल्कुल अगले 2 मैचेस में ऐसा ही हुआ। इसी तरह पाकिस्तान आखिरी वनडे जो जीता था इंग्लैंड के टूर पे, 5 जहां 4-1 जीता, हारा था पाकिस्तान 2016 के टूर में, आखिरी वनडे में उसने 100 किया था मेरे ख्याल से लॉर्ड्स में। तो वहां पर भी इसकी बैटिंग पोजीशन क्या थी सबको मालूम। तो इसीलिए पॉइंट पर तो मैं ऑब्वियसली यहां तक बात खत्म होता। लेकिन सरफराज को जैसे अगर आप कह रहे हैं कि रिजवान को आप रिप्लेस करेंगे, अभी सरफराज के लिए बहुत मुश्किल है रिजवान को रिप्लेस करना। पहली बात तो रिजवान भी कोई लेसर प्लेयर नहीं है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करूँगा। उसने 4 5 साल वेट किए, क्योंकि सरफराज ने 2014 15 के बाद से 2019 20 तक लगातार क्रिकेट खेली। इसी तरह सरफराज ने भी वेट किया, वो जो छोटे अकमल है और बड़े अकमल, पहले बड़े अकमल जो है वो 2007 का वर्ल्ड कप आ गया, 2003 का वर्ल्ड कप आ गया, फिर 2011 2011 में में भी भी खेले गए, वो। 11 में भी आ गया, 2015 में उनका छोटा भाई खा गया था आधा वर्ल्ड कप, फिर आधा वर्ल्ड कप सरफराज खेला। तो तकरीबन 3 4 3 वर्ल्ड कप बर्दाश्त करना, बेंच पे बैठना बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे परफॉर्मेंस के लिए जो परफॉर्म करके टीम में आया हो, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब उन लोगों ने जगह खा ली थी पाकिस्तानी टीम में, तो अब सरफराज ने भी तो वेट किया ना 3 वर्ल्ड कप। अगर रिजवान अगर कोई 4 6 मैचेस वेट कर सकता है, करना अगर उसको पड़ गया तो पता नहीं, अभी तो पोटेंशियल नहीं पता, अभी तो वो परफॉर्म करेगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा। लेकिन सरफराज ने भी अच्छा खासा वेट किया। लोग कहते हैं कि सरफराज ने वेट किया, सरफराज ने 2007 का वर्ल्ड कप छोड़ा दतूरे की, यानी बड़े अकमल की वजह से, 2011 का वर्ल्ड कप छोड़ा बड़े अकमल की वजह से, 2015 में आपके सामने दूसरी ही थे। बात बड़ी जो अहम है, रिजवान इज गुड इनफ बैट्समैन, ही कैन बैट एट 5 और 6। ये आप हमारे वालों को बताएं, ये जाके उस पागल उस आदमी को बताएं जो इस चीज का करता करता है। यानी अब वही तकरार दोबारा रिपीट हो रही है बात। अब आप 3 पोजीशंस लेके बैठे हो, आप कितना माइंड आपके पास होगा, या एक ह्यूमन जीन में तो क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रेन यूज कर सको। तो बिल्कुल आप अपने आप को खुद उस पॉइंट ऑफ व्यू पे रखो ना कि आप जज कर सको, आप अपनी परफॉर्मेंस को भी जज कर सको। यहाँ पर क्रिटिसाइज होने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं या कोई भी मल्टीपर्पज जब हो सकता है, जब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने बहुत कुछ खेला हो, बहुत कुछ देखा हो, या बहुत पीरियड में हो रहा हो, मिसबा का एक बिल्कुल होता है ना कि एक होम सेट टाइप का मालूम है। इमरान खान ने क्या किया था, इमरान खान ने 10 साल क्रिकेट काउंटी क्रिकेट खेली थी। इमरान खान को कप्तान इमरान खान का नाम लूंगा आपके दिमाग में कैप्टनशिप आएगी, जावेद बरगी का नाम लूंगा कैप्टनशिप आएगी, नहीं। आपको तो पता भी नहीं होगा कब उसने टेन्योर, मैंने मुझे नहीं पता आपने खेला हाँ, होगा। सुना है जावेद पांच मियांदाद आए, टेस्ट खेलने गए थे और 4 टेस्ट हार गए थे हाँ इंग्लैंड से। जावेद मियांदाद आए फेल हुए फिर आए, वसीम अकरम आए फेल हुए फिर आए, इसी तरह बहुत आप मैं शीट भर दूं आपको, इतने कप्तान फेल हुए आए, इतने फेल हुए आए। लेकिन बाबर आजम, वही बार टॉपिक जो हम वापस से स्टार्ट में लिया था, बाबर आजम को अभी ये नहीं सोचना कि मुझे तनवीर अहमद को जवाब देना है, मुझे मोहम्मद फैसल को जवाब देना है, बिल्कुल मुझे कामरान अकमल को जवाब देना है, सरफराज को जवाब देना है, मिसबा को जवाब देना है। अभी उन्हें एक एक टीम को आगे लेके जाने के लिए आगे का सोचना है,
अगर वो वही बात है ना कि जहां से शुरू हुए थे वहीं खड़े रह जाएंगे, अगर 3-4 साल कप्तानी कर भी ली तो बिल्कुल वहीं के सर, वहीं खड़े रह जाएंगे, कोई इम्प्रूवमेंट में नहीं आएगी, पर्सनैलिटी में भी नहीं आ सकेगी इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल और टीम की तो अल्लाह खैर है। बिल्कुल। ओवर टू यू क्रिटिसिज्म एंड को तो अवॉइड, वीडियो सॉरी एंड भी करेंगे आप। क्रिटिसिज्म को तो अवॉइड करना चाहिए, कि बहुत से लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, बिलखुसूस बहुत से लोग टीवी चैनल्स पे क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं सीधा सीधा टीआरपी की वजह से, हाँ वो तो है। कि जी कंट्रोवर्सियल बातें करें उसके बाद लोग देखें, और उस कंट्रोवर्सी की वजह से जो है वो कई दिन तक वो क्लिप चलते रहें, बिल्कुल चैनल की टीआरपी ऊपर जाए, तो इस वजह। लेकिन प्रोफेशनली एज ए प्लेयर अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को, और सिर्फ अपने बिल्कुल गेम पे, जिस तरह अब तक अपने गेम पे उसने सिर्फ तवज्जो दी है और एक बहुत बिल्कुल अच्छी मेंटेन की हुई है एवरेज और स्कोरिंग कैपेबिलिटी उसकी है, और दिन ब दिन बेहतर हो रही है, जी यानी जी टी बिल्कुल ट्वेंटी के अंदर उसकी हिटिंग जो है वो इस वक्त हमारे बहुत से प्लेयर्स से बहुत अच्छी है, क्योंकि वो गलत शॉट बिल्कुल नहीं सर। मारता, क्रिकेटिंग शॉट्स पे रन बनाता है। क्रिकेटिंग शॉट चले, मैं इसको राउंड अप कह देता हूँ, कर देता हूँ। मोहम्मद हफीज पे भी क्रिटिसाइज किया था किसी ने, तो राशिद लजीब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था उस पर कि अगर आप बैट्समैन हैं तो बैटिंग करके परफॉर्म करें पिच पे, बॉलर हैं तो विकेट्स लेके परफॉर्म करें मैच में, दैट्स इट, इससे ज़्यादा आप जवाब नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके।